हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज राजस्थान डेयरी विभाग का जो प्लांट ऑपरेटर का पेपर हुआ था, जिसमें जीके से, राजस्थान जीके से 40 क्वेश्चन पूछे गए थे। और आपको बता दें कि ये सारे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और आगे जो भी डेयरी विभाग में पेपर होने वाला है, कहीं ना कहीं चीज़ से निर्भर करेगा कि जो जीके के क्वेश्चन है वो कहाँ से उठाए जा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को आखिरी तक देखना, क्योंकि हमें टेलीग्राम ग्रुप के अंदर स्टूडेंट के द्वारा जितने भी क्वेश्चन भेजे गए, अभी तक हमें जो है 30 क्वेश्चन मिल चुके हैं प्लांट ऑपरेटर के। हो सकता है इनमें 2 या 3 क्वेश्चन जो है अन्य पेपर से मिक्स हो, तो बाकी लगभग प्लांट ऑपरेटर के क्वेश्चन है। और आप लोग भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आरसीडीएफ डेयरी टेक्नीशियन राजस्थान, और सेकंड हमारा है आरसीडीएफ राजस्थान डेयरी 2021। दोनों आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन पे डिस्कस और कट ऑफ के बारे में, बाकी पेपर के बारे में जो भी अपडेट रहेगा यहाँ पे आपको मिलता रहेगा, और डेयरी विभाग के आगे जितने भी पेपर होंगे उनकी भी न्यूज़ आपको यहाँ पर मिलेगी। तो सभी क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, आंसर आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। जल्दी जल्दी मैं क्वेश्चन पढ़ के आपको बता देता हूँ। एक भटनेर दुर्ग कहाँ, ये पूछा गया इजी क्वेश्चन है। और झालरा पाटन किसे कहते हो, जो घंटियों का शहर भी, ठीक है, घंटी जी ने घंटियों का शहर के लिए फेमस है। और पाल शब्द कौन सी रियासत के शासक अंत में लगाया करते थे। और मीणा उत्सव से संबंधित, ये थोड़ा सा मतलब पूरा क्वेश्चन हमें नहीं मिला, लेकिन इससे मिला जुला क्वेश्चन है। और एक है आदिम जनजाति निम्न में से कौन सी, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। एक था जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पे कौन सा जिला है, तो जनसंख्या के आधार पे सेकंड नंबर वाले जिले का पूछा गया। झालावाड़ का जनसंख्या के हिसाब से कौन सा रैंक है, ये पूछा गया था। और अनुप्रति योजना कोचिंग से संबंधित एक क्वेश्चन आया था। और शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान के सबसे अग्रणी जिला पूछा गया। उम्मेद भवन कहाँ पे है, प्रथम राजस्थान की पहली विधानसभा का कार्यकाल पूछा गया कब से कब। 1949 में राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन से, और बीकानेर की मांड गायिका का पूछा गया था। धौलपुर जिला कब बना, ये क्वेश्चन आया था। और हीरालाल शास्त्री से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन पूछा गया था। और जवाई बांध या जवाई नदी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आया था। एक साबरमती या सागरमती से जुड़ा हुआ, जहाँ तक होगा सागरमती हो सकता है या साबरमती, क्योंकि हमें स्टूडेंट क्वेश्चन भेजते हैं, ठीक है, वो कमेंट के माध्यम से हमें बताती है, तो वहाँ से हम लोग आपको ये चीज़ें आप तक प्रोवाइड करवा रहे हैं। एक बाबूजी महोत्सव में मतलब कौन सी जनजाति इनकी पूजा करती है, जो भी है ये क्वेश्चन आया था। और एक क्वेश्चन था कि मान सिंह की पत्नी गायत्री देवी की पुस्तक का नाम, यहाँ पे पूछा गया। झालावाड़ का क्षेत्रफल के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर प्रश्न आया था। और एक सुनील टप्पा को किस में मिलाया गया, सुनील टप्पा आप जानते हैं एकीकरण से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। और एकीकरण कितने चरणों में हो, ये भी पूछा गया था। अशोक गहलोत का निर्वाचन क्षेत्र, अशोक गहलोत का खुद का क्षेत्र पूछा गया था। और सीता माता अभ्यारण्य, ये पूछा गया कहाँ पे है। संगमरमर सर्वाधिक कहाँ पर पाया जाता है। और राजस्थान में प्रथम महिला नीति कब अपनाई गई, ये प्रश्न आया हुआ है। और ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान का कौन सा स्थान है। और जाखम नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, जाखम नदी का उद्गम स्थल पूछा गया। सांबर झील कहाँ पे है, और सागरमती या साबरमती, इसके बारे में हमने आपको बता दिया, दोनों में से एक का उद्गम स्थल पूछा गया था, जहाँ तक हो सकता है सागरमती हो सकता है। अब आपको बता देते हैं कि आप लोग डेली डेयरी विभाग के क्वेश्चन पाना चाहते हैं, हमारे साथ बनना चाहते हैं, और राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाना चाहते हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपको डेली वीडियो मिलती रहेगी। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।